हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज है 1 सितंबर। सो आज हम बहुत टाइम के बाद व्लॉग शूट कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह कल से हम डेली व्लॉग डालेंगे। सो अभी हमें आज घर में, और इंशाल्लाह कल हम जाएंगे गुलमर्ग और गुलमर्ग का व्लॉग भी बनाएंगे। आज से हम कंटिन्यू व्लॉगिंग करेंगे। सो अभी हमारे साथ है शाहिद। सो अभी हम दिखाएंगे आपको हमारे गाँव का नज़ारा कैसा है, एप्पल गार्डन वगैरह दिखाएंगे। सो हम जा रहे हैं आगे घूमने के लिए। सो आप वीडियो पे बने रहिए। अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लेना। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सो गाइज लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। व्लॉग को पूरा लास्ट तक देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी ना पिछले एक वीक से बहुत बारिश हुई है और आज भी थोड़ी बारिश हुई। बहुत सारे बोल रहे थे कि अभी कश्मीर में बर्फ़ गिरी है, गुलमर्ग में बर्फ़ गिरी है। अभी क्या है कि ठंड होती है लेकिन बर्फ़ अभी नहीं गिरी है। समटाइम्स अक्टूबर में भी बर्फ़ गिरती है और कभी कभी जो है वो नवंबर दिसंबर, और लास्ट ईयर जो है वो काफ़ी लेट स्नोफॉल हुई जनवरी के एंडिंग में। सो होप इस साल जल्दी हो जाए, काफ़ी मज़ा आएगा और वीडियोज़ भी आपको बहुत सारे अच्छे देखने को मिलेंगे। सो अभी हम जा रहे हैं एप्पल गार्डन के अंदर। सो शाहिद को जाना है कुछ दिनों के बाद शादी पर। आपको नहीं आना है? मुझे भी आना है। सो गाइस अगर आपको वो शादी का व्लॉग देखना है सो आप इस पे कमेंट कर देना। शादी का व्लॉग तो मैं बनाऊंगा, अगर ज़्यादा कमेंट आए सो फिर मैं बनाऊंगा। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या होता है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे शाली जो है वो तैयार होने लगी है और पूरे खेत में यहाँ पे शाली लगी हुई है। सो इसके नीचे है एप्पल गार्डन। अभी व्यू हमारे गांव की बहुत अच्छी है। बारिश होने के बाद जो है वेदर क्लियर हो गया, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया व्यू। शायद यहां पे सेब खा रहा है। शायद का लुक बिल्कुल चेंज हो गया, इसने आज बाल जो है वो नीचे रखे हैं। पता नहीं कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहा है। मैं कहां ट्रेंड फॉलो कर रहा हूं। सो लेट्स सी, अभी हम दिखाएंगे आपको एप्पल गार्डन। वो नाशपति वहाँ पर उतरे पता नहीं। सो देखेंगे कैसा अभी दिख रहा है गार्डन, सेब कैसे पके हैं या नहीं। और ये जो आप पेड़ देख रहे हो ये बूटा। अभी हम पहुंचे हैं एप्पल गार्डन के अंदर। सो आई विल शो यू द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू ऑफ आवर एप्पल गार्डन। सो सामने एक ऐसा पेड़ है जिसके सेब बिल्कुल लाल हो चुके हैं। सो ये देखो, ये देखो भाई साहब, बहुत ही बढ़िया बढ़िया एप्पल। ये देखो कैसा है शायद, ये देखो कैसा हो गया। जब हम पिछली बार यहाँ पे आए थे सो उस टाइम इस पेड़ पे काफ़ी सारे सेब थे, लेकिन वो उतारे गए हैं क्योंकि ये दूसरे किस्म का पेड़ है। इस पे सेब जो है वो जल्दी तैयार होते। अब देख सकते हो ये अभी ज़्यादा पके नहीं है, एक साइड से अभी कच्चे है और एक साइड से थोड़ा इनका जो रंग है वो चढ़ने लगा है। बाकी आप देख सकते हो अभी कितने सारे एप्पल हैं और नाशपति भी उतारे गए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो देख सकते हो आप, ये है नाशपति का पेड़ और पिछली बार जब हम आए थे इस पे बहुत सारे थे, अब उतार दिए गए, थोड़े थोड़े रह गए हैं उधर देख सकते हो आप। और बाकी ना अभी घास भी बहुत आ चुकी है क्योंकि बारिश हो रही थी एक वीक से, सो इसलिए ज़्यादा घास आ गई है। आजा शायद, शायद बैठ गए, थक चुका शायद। यहाँ से क्या लेगा शायद, खीरा ढूंढो। है इधर एक छोटा है, ये मत उतारो, ये मत उतारो, बड़ा होगा। बड़ा देखो वो उधर ज्यादा पक गया ऊपर। हाँ वही निकाल। नहीं नहीं वो नहीं खाना। उसके पास में है ना अच्छा वाला, अच्छा वाला ढूंढो, अच्छा वाला, ज्यादा बड़ा नहीं, नॉर्मल वो वाला, वो वाला ऊपर है ना एक, वो वाला उतरो, वो वाला उतारना वो। हाँ बस इस पर नमक होना चाहिए थोड़ा सा। देखो बाकी आप देख सकते हैं एप्पल कैसे, जितना जितना हम नीचे जाएंगे ना उतना एप्पल जो है वो ज़्यादा पका नहीं है क्योंकि नीचे नीचे धूप बहुत कम पड़ती है। ये देखो ऊपर हमने देखे थे एप्पल्स, वो थोड़ा ज़्यादा लाल हो चुके थे, और नीचे नीचे जितना जाओगे आप उतने थोड़ा जो है रंग है इनका वो कम होता जाएगा। ये देखो भाई, यहाँ पे जो है वो बालू आया हुआ था। सो वो जो है भुट्टे का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, इसलिए देखो क्या हालत की है इसने। शायद आपने कभी बालू देखा है लाइव? बहुत बार है, दाची गांव में देखा, दाची गांव ने वो उधर जू में देखा है, वो ऐसे नॉर्मली देखा है।
मैंने देखा है बहुत बार गुलमर्ग में, और लीपर्ड भी देखा है जो कि जंगलों में ज़्यादातर होता है, वो मैंने भी देखा है, वो बहुत ज़्यादा होता है इधर कश्मीर में, खासकर टंगमर्ग एरिया में बहुत ज़्यादा सुनो लीपर्ड लीपर्ड होते हैं बहुत सारा। यहाँ पे बालू ने पूरा जो है खेत है भुट्टे का पूरा तहस नहस कर दिया है। सो इधर बालू का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है, जब कोई भी फल फ्रूट तैयार होता है उस टाइम बालू जो है वो जंगल से नीचे आते हैं गाँव में, सो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा खतरा रहता है। नाशपाती दो इधर रह गए, उतारना देखो कितने बड़े, नहीं नहीं अभी मत उतारो, देखो रहने दो इनको यहीं पे पकेंगे। अभी हम जाएंगे एप्पल गार्डन से वापस क्योंकि लेट हुआ है, सो हमने आज व्लॉग जो है लेट स्टार्ट किया क्योंकि मैंने सोचा बहुत टाइम के बाद जो है हम जा रहे हैं एप्पल गार्डन पे, और मैंने सोचा साथ ही में आपको भी दिखाएंगे, थोड़ा सा छोटा व्लॉग बनेगा, कोई बात नहीं एडजस्ट कर लेना। इंशाल्लाह कल से जो है हम लॉन्ग व्लॉग शूट करेंगे, शायद पता नहीं क्यों खास रहा है, जब से मेरे साथ आया तब से खास रहा है, खास रहा है। क्यों क्या हुआ? छाती खराब है। सो गाइज कल से हम ना कंटिन्यू व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं, डेली व्लॉगिंग। सो आज आप थोड़ा एडजस्ट कर लो, ये छोटा सा व्लॉग देख लो, बहुत अच्छा है। अभी सनसेट भी होने वाला है, ये देखो खेत, इस खेत के साथ ये एप्पल एंजॉय करो गाइस। देखो शायद ने कैसा एप्पल उतारा, बहुत बढ़िया। इस पेड़ को क्या बोलते हैं? किसको? इसको बड़े वाले को, इसको कश्मीरी में वीर बोलते हैं, मगर क्या मैं पता नहीं क्या बोलते हैं। सो गाइस अगर आपको पता है इसको उर्दू में क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताना है, बोल देना। इससे क्या बनते हैं ज्यादा? बल्ले बनते हैं, बल्ले बैट। विराट कोहली इसी बल्ले से खेलता है, क्योंकि हम पेड़ आप देख रहे हो इन्हीं से बहुत फेमस जो है विलो है, इसी से बेट वगैरह बनते हैं। शायद क्या खा रहा है यहाँ पे? ये फ्रूट है जो कि ऑर्गेनिक होते हैं 100%, ये खुद ही उगते हैं, कोई इनको लगाता नहीं है। ये ज़्यादा कौन खाते हैं? ये ज़्यादा हम खाते हैं। जानवर जानवर खाते कवा? नहीं वो दूसरे। सर आप मुझे फर्क नहीं कर रहे हो जानवर और मेरे। ये देखो था, तुम वैसे ही खा रहे हो ना जानवर की तरह। इसमें देखो कितने कांटे हैं, कांटा लग गया ना उधर हाथ में, छोड़ेगा नहीं, चिपकता है, लेकिन मीठे है, बढ़िया। हाथ में दिखाना दो तीन, हमारे व्यूअर्स को दिखाओ भाई, हाथ में निकाल के ऊपर ऊपर बहुत सारे तैयार हो गए। ये देखो इनको हम क्या बोलते हैं कश्मीरी में? बोला पिछली वीडियो में गाइज, अगर आपको आपने पिछली वीडियो नहीं देखा आप देख लो, आप बोलो इनको क्या बोलते हैं हम कश्मीरी में। अच्छा सो ये हम क्वेश्चन क्वेश्चन ही रख दिया है। बाकी ना इस तरह के फ्रूट यहाँ पे बहुत सारे हैं नेचुरली, ये जो अखरोट का पेड़। सो गाइज अभी हम जाते हैं घर, सो देखते हैं आगे क्या होता है, आप वीडियो पे हमारे बने रहिए, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइज अभी हम पहुंचे घर, और ये आप देख सकते हो ये अखरोट का पेड़, अभी अखरोट भी धीरे धीरे तैयार होने लगे, ये देखो कितने सारे हैं, बहुत सारे, और हमारे जो है पार्क में बहुत सारे फूल है, ये देखो भाई साहब बहुत ही बढ़िया, और इस तरफ भी बहुत सारे फूल है, ये देखो। ये दोनों अखरोट के पेड़ है, ये वाला भी ये वाला भी। सो गाइस अभी बजे है 7, सो इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।